दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने आप संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल को 97,14,69,137 रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। केजरीवाल सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित विज्ञापन नीति के उल्लंघन का आरोप है। हाईकोर्ट ने मामले में 3 सदस्यीय कमेटी के गठन करके आरोपों की जांच करवाई। इसके मुताबिक सरकार को दिल्ली से बाहर विज्ञापन जारी करने, विज्ञापनों में आपका जिक्र करने, अन्य राज्यों की घटनाओं पर मुख्यमंत्री के विचारों के विज्ञापन जारी करने और सरकारी विज्ञापनों में विपक्ष पर निशाना साधने का दोषी पाया गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जारी नोटिस में 97,14,69,137 रुपए के भुगतान का निर्देश दिया गया। इनमें से 42,26,81,265 रुपए DIP के खाते में, जबकि बाकी राशि 54,08,87,872 रुपए विज्ञापन एजेंसियों को 30 दिन के भीतर करने को कहा गया है। उधर आम आदमी पार्टी और सरकार के मंत्री ने ऐसे किसी नोटिस की जानकारी से साफ तौर पर इनकार किया। मेरी जानकारी में नहीं है, अभी वो नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। पहले वो ऑफ नोटिस मिल तो जाए, अभी नोटिस मिला नहीं है, तो विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। नोटिस आ जाए इसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं, अभी तो परिकल्पना। नेता और मंत्री भले ही इंकार कर रहे हों, पर विज्ञापन मामले में फिलहाल आम आदमी पार्टी और सरकार पूरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है। जाहिर है, अब देखना दिलचस्प होगा कि इतनी बड़ी रकम के भुगतान के लिए आम आदमी पार्टी क्या रास्ता अख्तियार करती है, क्योंकि इसके लिए 30 दिनों की समय सीमा तय है। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।